अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारी नुमाइंदा महमूदा बानो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची अस्पतालों की नाअहली दिन ब दिन उरूज पर है। जिन्हें अस्पताल कातिल बन गया। हामला औरत की 8वें महीने में बच्चे को जन्म देते हुए मौत, और सोने पर सुहागा उसे कोरोना पेशेंट बनाकर घर वालों को बॉडी न देने और खुद ही दफनाने का कहकर बॉडी को सरखाने ले जाया जाने की कोशिश। घर वालों ने एम्बुलेंस को रोककर एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। हुक्काम वाला से अपील है कि खुदारा हमारी फरियाद सुनी जाए और ऐसे नाअहल डॉक्टर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। जी जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जिन्हें अस्पताल के पेशेंट 23 नंबर वार्ड के बाहर खड़े हैं, जो कि यहाँ पे एक मरीज जो कि कोरोना वायरस जिसको नहीं था पेशेंट फोत हो चुके हैं, लेकिन गायनी की मरीज थी जो कि ये जो पेशेंट की वजह से कह रहे हैं कि कोरोना वायरस था। आप इनके मुतालबात देख लें, या आप क्या कहना चाहते हैं कि इनके तासुरात सुने। जी आप क्या कहना चाहती हैं? 10 दिन से यहाँ पे हॉस्पिटल में भी बिला वजह पड़ते कोरोना। पहले इतने सारे टेस्ट करवाएं, कभी ये टेस्ट करवाओ कभी ये करवाओ, फिर उस दिन टेस्ट करवाने के लिए बेहोशी की इंजेक्शन दे के उसको फिर ला के वहाँ पे ICU में फेंक दिया। ICU से ला के कल बोलते हैं 11 नंबर वार्ड में लेके जाएंगे, तो यहाँ ला के फेंक दिया। बोलते क्यों, उसको कोरोना हो गया है। फिर हमें बोलते घर चले जाओ, आप लोगों को कल रिपोर्ट मिल जाएगी। और अभी जब आए तो अभी बोल रहे कि नहीं, वो तो हम लोग खुद ही खड़े हो कोटी लेके जाएंगे। ये सब बात सही थोड़ी है। उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था, वो लोग बोल रहे बच्चा नहीं था, पहले ही मर गया था। पहले हम लोग को वहाँ पे उन लोगों ने ICU में बोला कि बच्चा था 8 महीने का था, बिल्कुल बच्चा सही है। कपड़ा पुराओ।